सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आप जान सको कॉस्मेटिक वर्ल्ड की सच्चाई कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा रिजल्ट देता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो है मिरेकल क्रीम के ऊपर। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊं कि इसकी क्रीम के क्या फायदे हैं, क्या साइड इफेक्ट है और कितने दिनों में ये रिजल्ट देगी, कितने दिनों में आपको गोरा बनाएगी और गोरा बनाने के साथ क्या यह क्रीम आपको बाद में बुरे प्रभाव देगी या नहीं। उससे पहले एक छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और आपकी एक छोटी सी क्वेरी रहती है, कोई ऐसी क्रीम बताइए कि जो आपको बिना साइड इफेक्ट के गोरा बने, तो वो सारी जितनी भी आपके क्वेश्चन थे इस वीडियो में आंसर बनने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं मिरेकल क्रीम की। दोस्तों, एक हाइड्रोक्विनोन क्रीम है जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि ये एक एस्ट्रॉयड क्रीम है और मोमेटस एंड फॉर्मेट ट्रेटोन पाया जाता है इस क्रीम में। क्रीम की MRP और वेट है 15 ग्राम। और बात करते हैं अगर MRP की, तो ये आपको आप अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी बार्गेनिंग करा सकते हैं। 133 रुपये इसकी MRP पड़ी हुई, लेकिन मार्केट में आपको 100 रुपये, 70 रुपये और 60 रुपये की भी मिल जाएगी यदि आप ज़्यादा बार्गेनिंग कराते हैं। पैकिंग बहुत ही अच्छी है देखने की और अंदर से भी देख लेते हैं कुछ इस तरीके को, देखने को आपको छोटा सा ट्यूब मिल जाएगा। सो बहुत सारे लोगों को बात होगी कि ये कितने दिनों में गोरा बनाएगी, तो दोस्तों ये मात्र 3 दिनों के अंदर आपको गोरा बना देगी। और इस क्रीम से आपको कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जी हाँ दोस्तों, ये 3 दिनों के अंदर गोरा बनाएगी, तो इसका मतलब ये आपको साइड इफेक्ट भी देगी क्योंकि इसमें हाइड्रोक्विनोन मिला हुआ है और मेटोसन फॉर्मेट वाली क्रीमें साइड इफेक्ट देती ही देती हैं। सो जिन लोगों भी साइड इफेक्ट हुए हैं, उन लोगों को साइड इफेक्ट किस तरह ठीक करने हैं, तो वो लोग वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बात साइड इफेक्ट कौन से होने हैं, आपकी स्किन रेड हो जाना ये एक प्रकार का साइड इफेक्ट है, ब्लैक स्पॉट हो जाना ये भी साइड इफेक्ट है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल निकलना ये भी साइड इफेक्ट है, स्किन का पतली हो जाना ये एक प्रकार का साइड इफेक्ट है, और चेहरे का धूप में जाते ही बहुत ज़्यादा लाल हो जाना, ये सारे साइड इफेक्ट की श्रेणी में आते हैं। और एक बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट आपके फेस के, जो फेशियल हेयर सबके फेस पे होते हैं, बट आपको जब कोई भी क्रीम साइड इफेक्ट देती है तो उससे हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट है। सो जैसे कि वीडियो की शुरुआत में बताया गया कि था, आप लोगों को पूछते हो कौन सी ऐसी क्रीम जो बिना साइड इफेक्ट गोरा बनाती है, वो ये क्रीम है, स्किन प्रोटेक्टर आयुर्वेदिक क्रीम, या एक नाइट क्रीम है, या आपको गोरा क्यों बनाती है और बिना साइड इफेक्ट के क्यों बनाती है, उसके भी बाद में मैं बात करूंगा। सो सबसे पहले बात इसको क्या क्या करके यूज करना है। जिन लोगों को भी इस क्रीम से साइड इफेक्ट हुए हैं या फिर इसी जैसी किसी भी एस्ट्रॉयड क्रीमों से, हाइड्रोक्विनोन वाली क्रीमों से साइड इफेक्ट हुए हैं, तो सबसे पहले जो आपको क्रीम साइड इफेक्ट दे रही है उस क्रीम को लेना है, प्लस इस क्रीम को लेना है, दोनों क्रीमों को 3 दिनों तक की मिक्स करके लगाना है, प्लस जो क्रीम साइड इफेक्ट दे रही है उस क्रीम को बंद कर देना है, फिर इस क्रीम को आप रेगुलर कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रीम आप जब तक कि आपके साइड इफेक्ट नहीं जा रहे तब तक आप यूज कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्रीम की खासियत क्या है। दोस्तों, ये क्रीम एक आयुर्वेदिक क्रीम है, इस क्रीम का मेन कार्य है जितनी भी स्किन की सेल्स डैमेज हो जाती है उनको रिपेयर करना। जब आपकी स्किन की सेल्स डैमेज हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा अच्छा लुक आ जाता है आपके फेस पे। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको बिना साइड इफेक्ट के गोरा बनाता है, प्लस अगर किसी भी क्रीम से आपको साइड इफेक्ट हुए सो उनके साइड इफेक्ट भी खत्म करता है, पिंपल खत्म कर देता है, झाइयां खत्म कर देता है और भी फेस की जितनी भी प्रॉब्लम होती है खत्म कर देता है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो यार कमेंट करके बताना, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं रिप्लाई सबका दूंगा, अगर आपके रेडनेस हो रही तो कमेंट करिएगा, स्किन पतली हुई तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।